गाजियाबाद स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में आज भगवान शिव के महाशिवरात्रि पावन पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए खास तैयारियां की गई है। आज 8 मार्च को पड़ने वाली शिवरात्रि पर लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं के यहां आने का अनुमान है और उसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन के साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। भक्तों की भारी भीड़ आज दुधेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ी हुई है और लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर बम बम भोले और जय भोले बाबा के नारों से गूंज रहा है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त अपने साथ गंगा जल और दूध के साथ ही अन्य फल फूल भांग धतूरा को लेकर पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। मंदिर आने वाले भक्तों के लिए गंगा जल के साथ ही अस्थायी बैरिकेड पुलिस और प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं ताकि यहां पहुंचने वाले लाखों भक्त सहूलियत के लाइन के जरिए मंदिर के अंदर पहुंच भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर सके। वही पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी और अन्य फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है और नागरिक सुरक्षा वार्डन और वॉलंटियर भी पूरे मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद कर रहे हैं। करीब 100 सीसीटीवी कैमरे के द्वारा संपूर्ण मंदिर परिसर एवं मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे की निगरानी पुलिस द्वारा की रखी जा रही है। मंदिर को सजाने एवं भव्य रूप देने के लिए इस बार स्पेशल फूलों से सजाया गया है। साथ ही अलग अलग रंग बिरंगी लाइट्स भी महाशिवरात्रि पर प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाने के लिए लगाई गई हैं। महिला और पुरुष भक्तों के लिए अलग अलग लाइनों और अस्थायी बैरिकेड्स की व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। वही भक्तों के अनुसार इस प्राचीन मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। कहा जाता है कि शिव भक्त रावण भी यहां पूजा अर्चना करता था और भक्तों का कहना है कि यहां लोगों की मांगी गई मन्नतों को भगवान भोलेनाथ जल्द पूरा करते हैं। ऐसी में बीती देर रात से भक्तों की लंबी कतारें यहां नजर आ रही और आज रात तक लाखों भक्तों के इस महाशिवरात्रि पर प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम सुरक्षा इंतजाम यहां प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए हैं। देखिए, दुधेश्वरनाथ रावण के पिता विष्णु शर्मा ने इस लिंग की स्थापना किया और कालांतर में विशेष रूप से यहाँ पर जो दूध गाय का दूध जो है उससे प्रकट हुए भगवान दुधेश्वरनाथ महादेव स्वयंभू शिवलिंग है। रावण के पिता विष्णु शर्मा ने इस लिंग की स्थापना किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर बहुत भक्त लोग दर्शन करते हैं। 300 वर्ष के बाद इस बार विशेष योग बना है कि चंद्रमा और मंगल और अपना जो शुक्र प्रदोष और साथ में सर्वसिद्ध योग, ये तीनों योग 300 साल के बाद में आ रहा है। तो दुधेश्वर भगवान का विशेष पूजा करने शिव का या तो शमशान में वास होता है या कैलाश में होता है और शमशान पवित्र, जैसे हमारे यहाँ 25-28 समाधि लगी हुई है तो ये दुधेश्वरनाथ में 24 घंटा तक भक्तों का निरंतर जो है तांता लगा रहता है, दर्शन लोग करने के लिए आते हैं। कितने भक्तों ने अब तक जल चढ़ा चुके हैं? अभी करीब 4-5 लाख। मैं सुबह जब 9 बजे गया था तो उस टाइम घंटा घर के पास में लाइन थी महिलाओं की और इधर जो ठाकुर द्वारा तक थी, तो 4-5 लाख जो है सुबह से मतलब रात को 12 बजे से लेकर अब तक दर्शन कर चुके और रात को 12 बजे तक रहेंगे, तो 8-10 लाख लोग हर साल आते हैं। और इस बार विशेष रूप से भगवान राम का स्थापना होने के बाद लोगों में विशेष श्रद्धा हुई है। युवाओं में विशेष रूप से युवा और युवती, मैंने देखा कोई वृद्ध कोई खड़े नहीं थे, युवा और युवती पूरा लाइन में लग के भगवान भक्ति में ही होके पूरा जो है दर्शन करने भगवान दुधेश्वरनाथ का लाइन लगा के आ रहे थे। देखिए, दुधेश्वरनाथ मंदिर तो यहाँ पूरे हमारे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे पूजित तीर्थ है। यहाँ महादेव स्वयं विराजित है और महाराज जी के कारण यहाँ इसका मंदिर का यश पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मैं भी आज बाबा के दर्शन करने और अपनी मनोकामना यहाँ बाबा से मांगने के लिए आया हूँ। भगवान शिव की आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को, विशेषकर गाजियाबाद के निवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोले शंकर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, देश में विकास हो, सभी सुख शांति से रहें, देश प्रगति करें, ऐसी प्रभु से मेरी कामना।